हेलो फ्रेंड्स मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है सो दैट यू शुड हैव फन मोर फ्रेंड्स आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो को आप जितनी बार देखें उसको आपको कम ही लगने वाला है इस वीडियो में जो चीजें आपको बताई जा रही हैं अगर हम उसको डे टू डे लाइफ में फॉलो करें तो हम सबको समाज को बेनिफिट हो सकता है कैसे ये हम देखेंगे वन बाय वन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज बिजनेस एथिक्स बिजनेस एथिक्स क्या है बिजनेस एथिक्स एथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन नियम अब नियम की बात करें तो नियम कहाँ नहीं है जिस घर में आप रहते हो वहां के कुछ नियम होंगे जिस समाज में आप रहते हो वहां के कुछ नियम होंगे जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हो वहां के कुछ नियम होंगे जहां काम करते हैं लोग वहां के कुछ नियम होंगे अगर नियम नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम होती है नियम बनाना और तोड़ना बहुत आसान होता है और इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल तो बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि बिजनेस करते समय बिजनेस ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को यानी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है यानी ये हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी हम विदिन यानी हम हमारी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं बिजनेसमैन को काम करते समय ये पता होना चाहिए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग मैं बिजनेस में जो कर रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसने बिजनेस में इस तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है ताकि समाज के जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन सबको बेनिफिट मिल सके इसको हम डिटेल में देखेंगे तो आगे एक एक करके मैं स्लाइड आपके सामने रख रहा हूं तो सबसे पहले मीनिंग मीनिंग की बात करें तो वर्ड एथिक्स इज डिराइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स कैरेक्टर एथिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है ग्रीक वर्ड एथोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है कैरेक्टर फ्रेंड्स किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर चरित्र ऐसे ही नहीं बनता है उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है बहुत सारा पेन सहना पड़ता है ये आपको पता है कुछ लोग आदर्शवादी आदर्शवादी होते हैं वो सूलों को फॉलो करते हैं तो हम ऐसे लोगों की आज हम बात करेंगे तो ये एक मार्क का ब्लैंक आ सकता है कि एथिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है ग्रीक वर्ड एथोस बोर्ड एग्जाम में आपको एक मार्क दिला सकता है तो याद करते जाना है बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट दैट बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो वाइल डूइंग अ बिजनेस ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कोड ऑफ कंडक्ट को बिजनेस मैन ने फॉलो करना है बिजनेस करते समय एथिक्स डील्स विद द कंसेप्ट सजेस्ट राइट एंड रॉन्ग क्या सही है क्या गलत है क्या गुड है क्या बैड है क्या फेयर है क्या अनफेयर है क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है क्या लीगल है क्या इलीगल है क्या प्रॉपर है क्या इनप्रॉपर है इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस यानी काम करते समय बिजनेस करते समय हमें ये डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होनी चाहिए उसके लिए उसूल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें क्या सही है क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डैश ये भी एक मक का ऑब्जेक्टिव है एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस लेट एस सी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स अकॉर्डिंग टू एंड्रू क्रेन की हम बात करें तो बिजनेस एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिजनेस सिटुएशन एक्टिविटीज एंड डिसीजन Right सही गलत की हमें पहचान करने की जरूरत है वो हिसाब से हमने एक्शन को परफॉर्म करना है जो मैं आपको ऑलरेडी मीनिंग में बता चुका हूं सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू व्हीलर बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट और साइंस ऑफ में रिलेशनशिप विद सोसाइटी इट्स वेरियस ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन एज वेल एस रिकॉग्नाइजिंग द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर राइट और रॉन्ग कंडक्ट ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा डेफिनेशन है व्हीलर का ये कहते हैं कि एथिक्स एक आर्ट है और साइंस है हमें लोगों के साथ हारमोनियस यानी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है समाज और समाज है, है। के डिफरेंट ग्रुप्स हैं इंस्टीट्यूशन है सबके साथ हमने अच्छा बिहेव करना है हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या राइट right है या क्या रॉन्ग है जितना हो सके हमने गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जैसे पॉइंट नंबर वन कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है बिजनेस मैन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है ऐसे नियम कानून को बनाना है फॉलो करना है जो समाज की नजर में एकदम सही है पॉइंट नंबर टू भी उसी से कनेक्टेड है बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज मॉरल यानी विद की हम बात कर रहे हैं हम हमारी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं क्राइम और गलत चीज़ें तब तक नहीं रुक सकती जब तक बिजनेसमैन की अंतरात्मा उसको गलत करने से वो कहते हैं ना इंसान के अंदर एक विवेक होता है वो विवेक गलत करने से रोकता है तो ये चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए समाज जिन चीज़ों को सही मानता है उसको हम बोलते हैं सोशल वैल्यूज़ समाज कहता है कि बिजनेसमैन हमें सपोर्ट करेंगे हमें सही प्रोडक्ट देंगे हमारे साथ चीटिंग नहीं करेंगे हमें सही सलाह देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा पॉइंट नंबर थ्री इज गेस प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स अब जो सोशल ग्रुप्स क्या है जो सोसाइटी है समाज है उसको हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जैसे एम्प्लॉयज कस्टमर्स यानी कंज्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारी सारे सोशल ग्रुप्स जो है उनके प्रति हमारी कुछ जवाबदारी है हमने उनको प्रोटेक्शन देना है हमने किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करना है पॉइंट नंबर फोर इज प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब होता है ये हमारी हद ये लिमिट लक्ष्मण रेखा तय करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इससे हमें बिजनेस में डिसीशन लेने में आगे बढ़ने में आसानी होगी पॉइंट नंबर फाइव इज वॉल्ट्री इसको वॉल्ट्री यानी एज पर विश का विश कह सकते हैं यानी अपनी मर्जी से हर बिजनेसमैन ने अपनी मर्जी से इन एथिक्स को फॉलो करना है यानी इट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द लॉ कानून हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता कितना भी स्ट्रिक्ट से स्टिक कानून बन जाए जब तक इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनेगा अपने मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करेगा तब तक क्राइम रुकने वाला नहीं है तो हर बिजनेसमैन ने अपनी जवाबदारी समझ के खुद ही इन जो है वैल्यूज़ को परफॉर्म करना है ताकि समाज के लोगों को बेनिफिट मिल सके उसी से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर सिक्स रिक्वेस्ट एडुकेशन एंड गाइडेंस यस बिजनेस को उसके लिए अच्छा एडुकेशन और ज्ञान और गाइडेंस की ज़रूरत है अगर बिजनेसमैन को ये सारी बातें पता होगी उसको समझाया जाएगा उसको नॉलेज होगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं समाज के किसी भी ग्रुप के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना, ना करूं। पॉइंट नंबर सेवन इज़ रिलेटिव टर्म यानी ये रिलेटिव टर्म है मतलब इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कुछ चीज़ों को किसी देश में अच्छा माना जाता है किसी देश में उसी चीज़ को बुरा माना जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में लोग पायरेटेड चीज़ें देखते हैं डाउनलोड करके देखते हैं इंटरनेट पे मूवीज देखते हैं उनको बुरा नहीं लगता सॉफ्टवेयर का कॉपी मार लेते हैं यस yes, उनको बुरा नहीं लगता लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ डेवलप नेशंस की बात करें तो वहाँ पे इन चीज़ों को बुरा माना जाता है वहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा का वहाँ पे पैसा चार्ज किया जाता है अच्छा खासा पैसा वसूला जाता है लेकिन हमारे देश में उसको इतना बुरा नहीं माना जाता तो डेवलप नेशंस में एथिक्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है धीरे धीरे अभी डेवलपिंग नेशंस में भी इस तरह का जो है अभियान चलाने की कोशिश की जा रही है कि बिजनेसमैन ने किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी है जबकि ये कंसेप्ट ऑलरेडी फ्रेंड्स कहाँ चल रहा है डेवलप्ड नेशंस में पॉइंट नंबर एट इस न्यू कंसेप्ट अभी अभी मैंने आपको बताया कि यह नया कंसेप्ट है पहले डेवलप नेशंस में चलता था अभी डेवलपिंग नेशंस में भी आया क्योंकि हम समाज से पैसा कमाते हैं समाज के लोग हमें सपोर्ट करते हैं हमारा बिजनेस चलता है तो बिजनेस की समाज के डिफरेंट ग्रुप्स के प्रति कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए हमने एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स यानी डूज एंड डोंट्स की हम बात करेंगे बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पॉइंट नंबर वन पे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस रेगुलरली हर बिजनेसमैन ने तरह तरह का टैक्स होता है सेल्स टैक्स इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स जो भी है आप समय समय पर टैक्सेस पे करेंगे तो गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाएगा गवर्नमेंट को पैसा आएगा तो गवर्नमेंट गरीबों के लिए कई सारी सुविधाएं, कई सारे फैसिलिटीज ला पाएगी उनको बेनिफिट पहुंचा पाएगी पॉइंट नंबर टू इस पे फेयर वेजेस एलोवेंसेस एंड अदर मॉनिटरी इंसेंटिव टू वर्कर्स यानी हमने हमारे एम्प्लॉयज का हक नहीं मारना है उनको सही वेजेस सही पगार दो उनको सही टाइम पे पैसा दो एक्स्ट्रा काम करवा तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा अलाउेंसेज दो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दो अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स इंसेंटिव दो जैसे बोनस एक्सेट्रा प्रोवाइड किया जाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कई बार पे किए जाते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस कई बार पे किए जाते हैं फ्री पैक पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ऐसी कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिसको हम इंसेंटिवस कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री इज एनश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट यस हम जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए प्रोडक्ट से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए तो हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है पॉइंट नंबर फोर भी उसी से कनेक्टेड है कि क्वालिटी गुड्स हमने देना है एस पर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स वो भी एट रीजनेबल प्राइस यानी हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है वो भी वाजिब दाम पर यानी हर बिजनेसमैन का जो एम होता है टू अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने से रोका नहीं जा रहा है प्रॉफिट आप कमा सकते हैं लेकिन आप में रीजनेबल प्रॉफिट चार्ज करना है ताकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट आप सस्ता और अच्छा दे सकें और उनके भी वॉन्ट सेटिस्फाई हो सके नेक्स्ट पॉइंट इज गिव ड्यू रेस्पेक्ट एंड ऑनर टू बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर यानी बिजनेस ने कंज्यूमर के जो बेसिक राइट्स हैं उनको रेस्पेक्ट करना है उनसे उनके अधिकार नहीं छीनने हैं ठीक है लास्ट पॉइंट इज यूज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने समाज के लिए यूज करना है आप डोनेशन दे सकते हैं गरीबों के लिए स्कूल कॉलेज बनवा सकते हैं किसी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस तरह से हमने प्रॉफिट का एक हिस्सा समाज के फायदे के लिए यूज करना है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डोंट्स की क्या नहीं करना है पॉइंट नंबर वन इज डो नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन से ना हमेशा फ़ायदा होता है किसको? पब्लिक को समाज को कॉम्पिटिशन से क्या होता है पब्लिक को वराइटी ज़्यादा मिलती है प्रोडक्ट सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है लेकिन कुछ बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं ना वो कंपटीशन को डिस्ट्रॉय करती हैं कंपटीशन को किल करती हैं इससे क्या होगा छोटी छोटी कंपनियाँ अगर कंपटीशन फेस नहीं कर पाए तो वो बंद हो जाएंगी बंद हो जाएंगी तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली क्रिएट होगी मोनोपोली यानी सिंगल सेलर अगर वो मार्केट में सिंगल सेलर होगा तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा तो ऐसा नहीं करना है पॉइंट नंबर टू इज डू नॉट चीट और एक्सप्लॉयड कस्टमर्स कस्टमर के साथ धोखाधड़ी चीटिंग नहीं करनी है धंधा हमने शुरू किया है पैसा कमाने के लिए ना कि चोरी चकारी करने के लिए लूटने के लिए लूटपाट करनी है तो फिर दुकान लगाने की क्या जरूरत है चाकू छुरी लेके बैठ जाओ भाई काम तो आसान हो जाएगा तो दुकान खोल रहा है तो आपने वो हिसाब से काम करना चाहिए पॉइंट नंबर वन के साथ है पॉइंट नंबर थ्री डू नॉट क्रिएट मोनोपोली मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी है क्योंकि मोनोपोली से सिर्फ एक ही बंदे को फ़ायदा होता है और वो कौन है फ्रेंड्स सिंगल सेलर जिसका मार्केट पे कब्जा है तो ऐसा नहीं करना है वो पुरानी कहावत है ना कि फ्रेंड्स बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तो ऐसा नहीं करना है समुंदर इतना बड़ा है तो सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट रेसर टू होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग यानी जमाखोरी नहीं करनी है ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है कुछ बेईमान लोग कुछ बेईमान लोग थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए मैक्सिमम लोगों को तकलीफ देते हैं कराज ये मुट्ठी पर लोग इतने बेईमान न होते आज हमारे देश में कुछ मुट्ठी पर लोग बेईमान ना होते तो फ्रेंड्स इतने सारे लोग हमारे देश में परेशान न होते हमारे मंत्री बहुत ईमानदार हैं बाकी आप समझदार हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट यस आप रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कीजिए जिसपे आपका अधिकार है सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश ना करें गलत तरीके से प्रॉफिट कमाने की या लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लूटने की कोशिश ना करें तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया डूज एंड डोंट्स यानी कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स की हमने बात करी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा है तो उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट